वेलकम टू बीकानेर। बीकानेर पहुंच गए हम लोग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। इट्स अराउंड 4:40 इन द मॉर्निंग और आज हमारा ट्रिप का डे वन स्टार्ट होने जा रहा है। वी आर ट्रैवलिंग टू बीकानेर विच इज़ अराउंड 333 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, जहाँ पर हम रुके हैं जयपुर पे। वहाँ से तो गूगल मैप दिखा रहा है कि इट विल टेक अराउंड 5.5 आवर्स। तो आराम से रेडी रिलैक्स करके रुकते हुए जाएंगे, तो आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल टेक अराउंड 7 आवर्स। जैसे बैग सारे पैक्ड हैं हमारे एंड बाहर का टेम्परेचर भी अच्छा ही है, लाइक इट इज़ अराउंड 17-18 डिग्री टेम्परेचर। तो देखते हैं बाहर जाके राइड के वक्त ठंड लगता है या नहीं, एंड लेट्स सी ऑन द रोड। गुड मॉर्निंग गाइज, हम लोग निकल चुके हैं जयपुर से टुवर्ड्स बीकानेर। तो अभी 5:30 का टाइम हो रहा है मॉर्निंग, काफ़ी अंधेरा है। पहले हाईवे पे जाते हैं। हाय गाइज, अभी हम लोग एक 30 किलोमीटर जैसा ट्रेवल किया। ठंड बहुत है गाइज, मैंने अभी रुक के अपना थर्मल वगैरह पहन लिया है, तो इट्स अ बिट बेटर। एक्चुअली ठंड नहीं, विंड मतलब हवा, ठंडी हवा ज़्यादा है, हल्की हल्की सुबह और ये ब्यूटीफुल सीन और रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। हम लोग तो रात को अंधेरा के टाइम निकले थे और इतना साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था, बट रोड्स वर प्रिटी गुड। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है, तो प्लीज़ यूज़ योर कैरी योर थर्मल। सो गाइज, देखिए रात से सुबह आने का जो ट्रांजिशन है, सो ब्यूटीफुल। कांट बिलीव कि जो हम लोग लास्ट 4-5 मंथ से ट्रिप का प्लान कर रहे थे, दैट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू माई वाइफ जो पीछे बैठी है, थैंक यू वेरी मच इस ट्रिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। वो गिर गई थी अभी, यहाँ पर पैर फंस गया था। बहुत ठंड है भैया, कब तक होगी गर्मी? माय गॉड, बाप रे बाप। सो हम लोग निकल चुके हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जैसे कि बताया अभी और 250 किलोमीटर जैसे है अभी बीकानेर के लिए, और ठंड थोड़ी सी कम लग रही है अभी। ब्यूटीफुल रोड्स, ये आजू बाजू के सीन देख के थोड़ा लग रहा है, मतलब वो राजस्थान वाला फीलिंग आ रहा है। बट आप लोग जो भी लोग ट्रैवल करेंगे ये अक्टूबर या नवंबर के समय, अगर मॉर्निंग को राइड करेंगे तो फिर एटलीस्ट 2 लेयर्स ऑफ थर्मल तो पहनना ही है। और 25 किलोमीटर पे लक्ष्मणगढ़ आएगा, वहाँ से और 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के बाद आएगा फतेहपुर।
उसके बाद आएगा बीकानेर, एक 40-50 किलोमीटर के बाद एक छोटा सा ब्रेक देने की सोच रहे हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे और आराम से जाएंगे। कोई लोड नहीं है जल्दी जाने का, जस्ट व्यू एंजॉय करते हुए, राइड एंजॉय करते हुए चलते रहो। अब ठंड भी नहीं लग रही है, वेरी प्लेजेंट। तो क्या सीनरी है, क्या रोड है, क्या जर्नी है। फाइनली एक अच्छा होटल लग रहा है, यहाँ पर रुकते हैं। उस डॉगी को कुछ भूख लग रही है शायद, तो गाइस यहाँ आके रुके हैं थोड़ी देर। झनकार रेस्टोरेंट पे, ये रत्नागर पहुँचने से पहले है। गाइस हम ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं, दही पराठा खाया, बहुत अच्छा था। एक पराठा 45 रुपीज़, विच वॉज ओके, पराठा बहुत टेस्टी था। और एक पराठा इतना हैवी था कि दो नहीं खा पाते। तो बीकानेर यहाँ से अभी और 143 किलोमीटर है, और गूगल मैप के हिसाब से अभी दिखा रहा है कि और 2 घंटे लगेंगे, यानी कि अभी 10 बज रहा है, 10:15 हो रहा है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम बाई 1 तो पहुंच जाना चाहिए। अभी हमने थर्मल वगैरह वो सब निकाल दिए हैं कि गर्मी शुरू हो गया है अभी। हाय अगेन, अभी बीकानेर और 85 किलोमीटर जैसा है, तो वो स्ट्रेट रोड है, कुछ ज़्यादा दिखाने को नहीं है। ये सीन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, यही सब सोच के निकले थे हम लोग बेंगलोर से, अब वैसा ही देखने को मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो जैसे 3 इडियट्स में बोलता है ना आमिर खान, कि बचपन से इंजीनियरिंग करने का सोच रहा था, आज यहाँ बैठा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वैसे ही मुस्कुरा रहा हूँ मैं भी। अपने बाइक में ट्रैवल करने का मज़ा ही कुछ और है। घर पे सब लोग बोल रहे थे कि क्यों बाइक लेके जा रहे हो, बेकार गाड़ी लेके जाओ, या कार हायर कर लो, बट रोड ट्रिप है तो बस बाइक में ही होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगेन योर फैमिली हैज़ टू बी सपोर्टिव। ये सुनने में बहुत छोटा बात लग रहा है, बट उनका सपोर्ट नहीं हुआ ना, स्पेशली मेरे वाइफ का, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये ट्रिप होता ही नहीं। मान लो आप वाइफ ऐसी है जो बोलती नहीं मुझे बाइक पे नहीं जाना, मैं गाड़ी पे जाऊंगी, तो फिर क्या कर सकते थे। और अगेन रोड्स सुपर ऑसम है गाइस,
रोड्स को लेके राजस्थान में जब आएंगे बिल्कुल भी सोचना ही मत, बस आपकी बाइक की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। गाड़ी में पेट्रोल और बाइक के टायर में हवा होना चाहिए बस, और चेन लूप। हाँ, तो ये तीन मैंडेटरी चीज़ है, बाकी रोड का कोई टेंशन ही नहीं है, इतना फर्स्ट क्लास रोड है, कहीं नहीं मिला मुझे ऐसा अच्छा रोड। तो यहाँ से 1 घंटे 1.5 घंटे का जर्नी बाकी है, अभी 11:30 हो रहा है, होपफुली भाई 1 पहुँच जाएंगे। आज सिर्फ फिल्मों का बात याद आ रहा है, जैसे हाईवे पिक्चर पे आलिया भट्ट बोलती है ना कि कहाँ जा रहा हूँ पता नहीं, कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं, बट ये जो रास्ता है ये सबसे ब्यूटीफुल है। ये टोल गेट मुझे याद है, याद है दिन मैंने देखा है काउंटिंग माइल्स भैया है उनके वीडियो पे, हैशटैग काउंटिंग माइल्स। ये देखिए लिखा हुआ है, मैं खंडहर हूँ, लापरवाही का धीरे चले सुरक्षित रहे, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। चलिए गाइस, देन डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, इतना अच्छा मैसेज दिया इतना यूनिक तरीके से, ताकि बिल्कुल बात भेजे के अंदर घुस जाए। सो जस्ट एन्जॉय द रोड, एन्जॉय द राइड, बट प्लीज़ डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो राइमिंग हो गया आज का, अंदर का कवि निकल के आ रहा है बाहर। हाय गाइस, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं, बस पानी वानी पी रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, कमर सीधा कर लूँ। और अराउंड 50 किलोमीटर्स जैसा है, लगभग 40-45 मिनट्स लग जाएगा। वेलकम टू बीकानेर, बीकानेर पहुँच गए हम लोग। तो गाइस हम होटल पहुंच चुके हैं, ये घर है क्या, इतना 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 सुंदर घर है। मैडम कल फोन किया था ना, बुकिंग है हमारी, बाइक अंदर लगा दूं? अच्छा ये यहाँ रख दूं? हाय गाइस, तो हम फाइनली बीकानेर पहुंच चुके हैं, अभी अराउंड 2:30 बज रहा है और हम मॉर्निंग को 5:30 को निकले थे। आराम आराम से आए, रुक रुक के आए, एंजॉय करते हुए आए, इसलिए हमको टाइम लग गया थोड़ा, बट आपको होटल का व्यू दिखाता हूँ। सो ये है गाइस होटल का रूम, मस्त बालकनी है, एक्चुअली एक हवेली जैसा है, और यहाँ देखिए मस्त है, ये रूम है हमारा, सारा सामान यहाँ रखा है हमने अभी। और बाहर एक छोटा सा बालकनी भी है, ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत खूबसूरत है। शायद कैमरा इज नॉट जस्टिफाइंग द ब्यूटी ऑफ इट। हाय गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग एक्साइटिंग राइड फाइनली डे 1 ऑफ आवर ट्रिप इज़ अबाउट टू एंड। बहुत अच्छा राइड था फ्रॉम जयपुर टू बीकानेर, जैसे कि आपने देखा है, और बहुत एंजॉय किया हमने राइड को। और मॉर्निंग को बहुत ठंड था,
और अभी ज़्यादा ठंड नहीं है, बिल्कुल प्लेजेंट वेदर है। तो हम दोपहर को पहुंच के बस थोड़ा फ्रेशन अप होके खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट किया हम लोगों ने, क्योंकि लंबा राइड था और माई बॉडी नीडेड सम रेस्ट। और शाम को थोड़ा बाहर गए मार्केट वार्केट घूमने, थोड़ा अच्छी जगह है, छोटी जगह है बट बहुत अच्छे लोग हैं, ब्यूटीफुल प्लेस। हाँ, कल थोड़ा शहर देखने का प्लान है, तो देखते हैं कल कहाँ कहाँ जा सकते हैं, आपको बताएंगे। और बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं आज के लिए। हाँ, टेक केयर, टेक रेस्ट एंड स्टे वेल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।